तो अब हम लोग चल रहे हैं ड्राइव के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग परचेज कर चुके हैं एवेंजर, जो कि बजाज कंपनी का ये गाड़ी है और काफी गजब का इसका लुक है। आप लोग देख रहे हैं ब्लैक कलर का। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं बजाज शोरूम, जो कि वहाँ पे आज हम लोग परचेज करने वाले हैं गाड़ी पल्सर या नहीं तो एवेंजर। तो अंकल और विवेक भैया ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और मैं हूँ अभी नया मोड़ में। देख रहे हैं, ये है बजाज शोरूम, रंजू शोरूम। तो चलते हैं दोस्तों, और आज का वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गाड़ी का प्राइस क्या है, कौन सा कलर है और कितना इसका प्राइस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं डायरेक्टली हम लोग बजाज शोरूम के अंदर। बजाज शोरूम, रंजू शोरूम, जो कि नया मोड़ में ये शोरूम है, और वो रहा मेन रोड। मेन रोड के जस्ट अपोजिट पर ये है शोरूम, और यहाँ पर बहुत सारा गाड़ी अभी रखा हुआ है। और अंकल और विवेक भैया अभी अंदर जा चुके हैं, उन लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं गाड़ी का। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अंदर की ओर, और आप लोगों को हर एक चीज़ आज पता चलेगा कि किस तरह का गाड़ी रहेगा, कलर कौन सा है और कितना प्राइस है। इधर देख रहे हैं पल्सर वगैरह पूरा रखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अंदर की ओर, और इस मेन गेट से हम लोगों को इन करना है। और अभी अंकल पहुँच चुके हैं अंदर की ओर, और यहाँ से आप लोग जैसे इन करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है सिटी का, और यहाँ पे रखा हुआ है एवेंजर, और काफ़ी गजब का ये दिख रहा है। और इस साइड पे है पल्सर का बाइक, जो कि 220 है। 150 भी आप लोगों को मिल जाएगा, 155 भी मिल जाएगा। और इधर पुराना ओल्ड मॉडल का है पल्सर, और यहाँ पर है एवेंजर। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा हम लोगों को पसंद आता है। और यहाँ पे अभी अंकल बैठे हुए हैं, और अभी प्रोसेस चल रहा है डॉक्यूमेंट का, और जो भी प्रोसेस है वो अभी ऑनलाइन चल रहा है। अभी अंकल अभी ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे हो गया था, अंकल आगे ही आ चुके थे, और वो अभी प्रोसेस कर रहे हैं जितना भी है गाड़ी का प्रोसेस। और ये देख रहे हैं आप लोग पूरा शोरूम, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि धनतेरस है। और फ्रेंड्स, हम लोग धनतेरस के जस्ट एक दिन आगे हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि धनतेरस के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, जितना भी गाड़ी शोरूम है और दुकान में भी, इसलिए आज ही हम लोग निकाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों को पसंद आ चुका है एवेंजर, और इसका आप लोग देख रहे हैं कलर भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर का है। और इसका हाइट बहुत ही कम है, मतलब कोई भी इजिली इसको चला सकता है। और देख रहे हैं ये पीछे का कुछ इस तरह का लुक है। अब होने वाला है प्रोसेसिंग, अभी आ चुके हैं, अब यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है बुकिंग। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं कितना देर तक प्रोसेसिंग लगता है। तो अभी भैया आ चुके हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और डॉक्यूमेंट फाइनली हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग निकालने वाले हैं बाइक को बाहर की ओर, और अभी जो प्रोसेस है वो अभी चलेगा। कौन सा चला हुआ? ये तो इसमें चाबी शायद लगा हुआ। चलो इसी को निकाल। अब गाड़ी निकल रहा है बाहर की ओर, क्योंकि इसको अभी कसना पड़ेगा, जो भी इसका नट बोल्ट है वो सबको अभी कसा जाएगा, ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे गाड़ी। तो ये चल गया हम लोगों का बाइक बाहर की ओर, और इस जगह पे अभी होने वाला है इसका काम। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अभी होने वाला है काम। तो बाहर से आप लोग बाइक का लुक देख सकते हैं, गजब का ये दिख रहा है, क्योंकि अंदर पर था तो ये लाइट थोड़ा सा वहाँ पर कम था, बट यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं गजब का ये लुक पे है। अभी हमारा एवेंजर का देख रहे हैं, अभी फिटिंग चल रहा है। तो चलिए भैया से पूछते हैं कि इसका फ्यूचर क्या क्या है।
और कितना सीसी का, हर एक चीज़ के बारे में भैया ही अभी बताने वाले हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, माइलेज कितना तक देगा और किस तरह का क्या है। तो चलिए भैया से पूछते हैं। और अभी हो रहा है गाड़ी और यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होते हुए अभी भैया देख रहे हैं कुछ कुछ यहाँ पे सामान लगा रहे हैं जो कि गाड़ी पे लगने वाला है। ये भैया से पूछते हैं कि गाड़ी का फ्यूचर क्या क्या है, थोड़ा बताइएगा भैया। अच्छा, पेट्रोल बंद ऑन करना नहीं है, इसमें पेट्रोल 2.5 लीटर रखना पड़ेगा आपको रेगुलर। अच्छा, 2.5 लीटर तेल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें BS6 गाड़ी है। और इसका माइलेज किस तरह का देगा अभी? माइलेज अभी 45 देगा। अच्छा, अभी 45, फिर 40-50 का बीच में माइलेज इसका रहेगा। अच्छा, हाईवे में चलिएगा 50 मिलेगा माइलेज, और आपको लोकल चलिएगा 45 मिलेगा। 45। और जो 3 सर्विसिंग है, सर्विसिंग के बाद में किस तरह का माइलेज ये देगा? बोलते कि हाईवे में रहेगा 50 देगा। अच्छा, 50। और लोकल में लॉन्ग टूर में आपको देगा वही 40 या 45 के अप्रोक्स ना। तो ये है, और इसका सीसी है 160 ना, 160 है। देख रहे हैं यहाँ पे सीसी पूरा लिखा हुआ है। ABS चैनल है। अच्छा, ABS गाड़ी है, ABS चैनल है, आगे चक्का दोनों चक्कर में ABS लगा हुआ है। तो चलिए अभी फिटिंग हम लोग देखते हैं पूरा गाड़ी पे क्या क्या अभी फिटिंग होने वाला है। ये चीज़ अभी भैया कर रहे हैं क्योंकि ये तो गाड़ी ऐसे ही रखा हुआ रहता है, और अभी चल रहा है फिटिंग। फिटिंग के बाद हम लोग ड्राइव में भी जाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्पीड इसका कैसा है। सही बात। तो अभी चल रहा है फिटिंग, आप लोगों को मैंने बताया कि कितना का सीसी है, ये 160 का सीसी है, और अभी काम चल ही रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि गाड़ी कैसा रहा है। और हम लोग परचेज करने वाले थे कुछ दूसरा, लेकिन ये हम लोगों को सबसे बेटर लगा क्योंकि कोई भी ये आराम से इसको चला सकता है, मतलब एकदम कम्फर्टेबल आप लोगों को लगेगा चलाने में भी, और अच्छा माइलेज भी है। अभी देगा 45, और 3 जो ये इसका ये है सर्विसिंग, सर्विसिंग के बाद में ये बताएं कि 50 से अभव देगा, तो काफ़ी अच्छा इसका माइलेज भी है, पल्सर से अच्छा है। तो चलिए फिटिंग का आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से अभी प्रोसेस चल रहा है। तो लग चुका है सीट कवर, अब होने वाला है पॉलिश, और गाड़ी फाइनली रेडी हो जाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं ड्राइव के लिए। नहीं, हम बताएंगे उधर से, आप लोग चलिए। तो दोस्तों, आप लोगों को एवेंजर बाइक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कलर कैसा है ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम लोग फर्स्ट टाइम बजाज का गाड़ी परचेज़ किए, वो भी एवेंजर, और काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग देखें, हम लोग टेस्ट ड्राइव में भी गए हुए थे, काफ़ी मज़ा आया चलाकर, और मतलब हाइट भी इसका काफ़ी कम था, मतलब कोई भी इसको आसानी से चला सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा जो कि हम लोग जाने वाले हैं राजरप्पा या नहीं तो रामराज मंदिर गाड़ी का पूजा करने के लिए, वो वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा, बाय बाय, सी यू।